बिहारी स्टाइल चिकन करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है, जिसे मैंने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चिकन के मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक तो चिकन के अंदर 1 चम्मच डालेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट, साथ में डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में जाएगा आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ में डालेंगे थोड़ा आधा चम्मच धनिया पाउडर, साथ में डालेंगे 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल, साथ में डालेंगे आधा चम्मच के करीब नींबू का जूस। नींबू का जूस डालने से चिकन हमारा बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होता है। सभी चीजों को अच्छे से कर लेना है मिक्स। अब इसे हमें कम से कम आधा घंटा के लिए रेस्ट पे रखना होगा। तो अच्छे से मैंने मैरिनेट कर लिया है, तो चिकन को ढककर हमें आधा घंटा के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल ऐड करेंगे, करीबन 4 से 5 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो एक बात बता दो दोस्तों कि यहाँ पे बिहारी स्टाइल चिकन सरसों के तेल में ही बनाया जाता है, अगर आपको कोई और तेल पसंद है तो उसमें आप बना सकते हैं। तो तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अगर आपको सरसों का तेल नहीं पसंद है तो आप कोई और तेल में बना सकते हैं। तेल को सही से गर्म होने दें। तेल के गर्म होते हैं यहाँ पर डालेंगे बड़ा वाला 1 इलायची, 2 छोटा वाला इलायची, साथ में दालचीनी और 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता को मैंने 2 टुकड़ा कर लिया है, और साथ में लौंग डालेंगे 4, 3 से 4। सभी चीजों को कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने 4 प्याज को मैंने बारीक से कट कर लिया था। तो अच्छे से इसको फैलाएंगे ऐसे, जब तक हमें भूनना है, जब तक इसका प्याज को हमें जब तक भूनना है जब तक गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो ना जाए। साथ में यहाँ पे डालेंगे बारीक कटा हुआ, बारीक फूटा हुआ लहसुन और अदरक। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों को प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट, अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, उसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेना है ताकि इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए। लहसुन अदरक को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुका है दोस्तों, अच्छे से आप देख सकते हो कच्चापन इसका निकल गया है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन। तो सारा चिकन को हमें इसमें डाल देना है। इसे अब हम सारी चीजों के साथ मिक्स कर लेंगे। पनीर चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हाई फ्लेम पे भूनना है। तो चिकन को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हो चुका है, तो इसे हमें एक बार चला लेना है। अब हम भूनने देंगे।
वेजिटेरियन के लिए। और तो चिकन को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है, अब इसमें हम टमाटर के प्यूरी ऐड करेंगे। यहाँ पे चार टमाटर का प्यूरी मैंने पीस के तैयार कर लिया है, अब इसमें हम डाल दिए। साथ में हम मसाला भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। साथ में डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। मसाला कम या ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। साथ में डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा कम या ज्यादा आप अपने अकॉर्डिंग से कर सकते हो। साथ में यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे टमाटर को, जो मैंने पीस के रेडी किया था उसमें थोड़ा सा टमाटर लगा हुआ था मिक्सी के जार में, तो उसे मैंने धो के इसमें डाल दिया। अब इसे सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया मसाला के साथ, तो इसे अब हम ढक देते हैं। इसे लो फ्लेम पे हम पकाएंगे बीच बीच में चलाते हुए। तो चिकन को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है, तो एक बार हम चला लेते हैं। पर देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा कलर आया है चिकन के अंदर। इसे चिकन को हमें जब तक भूनना है, जब तक अच्छे से मसाला बिल्कुल तेल न छोड़ना शुरू हो जाए, इसे हमें लो फ्लेम पे ही भून लेना है मसाला को। बीच बीच में चलाते हुए 2 से 3 मिनट के अंदर चलाते हुए इसे हमें भूनना है। इसे हम कवर कर लेते हैं। तो चिकन का भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो गया, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों का चिकन का भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हो काफी सारा तेल ऊपर में तैरना चालू हो गया, चिकन बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। तो इसे अब हम अच्छे से एक बार चला लेंगे। तो अच्छे से मैंने चिकन को चला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चिकन में। साथ में यहाँ पे डालेंगे चिकन मसाला। आप कोई भी चिकन मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। इसे भी 1 से 1.5 मिनट पहले भून लेना है। चिकन मसाला के साथ मैंने 1 से 1.5 मिनट भून लिया है इसे चिकन को। अब इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 1 से 1.5 कप तक पानी हम डालेंगे। आप अपना ग्रेवी किस तरीका से रखना चाहते हैं उसी हिसाब से पानी यहाँ पे डाल सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से एक बार चला लें। तो अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है पानी के साथ। अब इसे हमें ढक के कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए और पका लेना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे।
तो चिकन को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुका है, तब हम एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे चिकन हमारा तैयार हो गया है, तो यहाँ पे हम डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला, साथ में डालेंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया, अच्छे से एक बार चला लेंगे। यहाँ पर चिकन करी हमारा रेडी हो गया दोस्तों। चिकन करी हमारा रेडी हो गया, चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं।